ये तक पहचान रहे हैं। मेरी वीडियो देखी किस पे? क्या मेरे चैनल का नाम क्या है पता है? लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर आ रहे हो, तो बहुत बहुत बड़ी ऊंचाई है, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित। तो वही अभी लगभग 3 बज रहे हैं और मौसम भी अच्छा खासा हो गया है, खुला खुला हो गया मौसम, कोहरा भी नहीं है। और सरोवर देखो भाई, वीर जी ने वहाँ से दरबार साहब से मेरे को यहाँ पे बुला दिया, फोटो खींचनी है बोल के मेरी, मैंने तो उनकी वीडियो बना ही दी है देखो। पता चला हाँ अच्छा। और थैंक यू मैम, मैम ना जो हमारे यहाँ पे लक्ष्मण भगवान जी हैं और माँ दुर्गा जी, उनके लिए आसन लाई हैं प्यारे से, और आपके भेंट माता जी से। हेलो सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आपका स्वागत प्रणाम है श्री हेमकुंड साहिब श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर से। सुबह के अभी 9:30 हो रहे हैं। मैं आज काफ़ी लेट उठा क्योंकि मैं कल नीचे नहीं जा पाया, तो पुजारी के साथ ही मैं यहीं पे रुक गया था, पंडित जी के साथ ही। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी, तो कल ऐसा था कि मैं ना किसी के रिप्लाई कर पाया, ना किसी के कॉल उठा पाया, ना इंस्टा पे रिप्लाई कर पाया। तो अभी भी मैंने थोड़ा सा है चाय, गरम चाय पी, गरम पानी पिया, थोड़ा बिस्कुट खाया, तब जाके दवाई लिया। बाकी काम करने में अभी हिम्मत नहीं बन रही है क्योंकि थोड़ा ठंड भी हो गया, कोहरा भी लगा हुआ है। बाकी यार सुबह का दृश्य कुछ ऐसा है। देखिए भाई, हल्के हल्के कोहरे बादल लग गए हैं। बाकी संगत जी भी भाई, कुछ कुछ न्यूज़ें हमारे YouTube फैमिली ना कमेंट्स करती है, मैसेज आ रखी थी कि यार यात्रा चल नहीं रही है बोल के, 24 तक बंद है। ऐसा कुछ नहीं है यार, पता नहीं कौन कैसी न्यूज़ कहाँ से देखता है। जब तक जो है हेमकुंड साहिब ट्रस्ट मैनेजमेंट आपको खुद अपडेट ना दे दे, तब तक किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना, किसी भी न्यूज़ चैनल पर और किसी भी ब्लॉगर पर। ठीक है, मेरे सामने देखो आज इतनी संगत आई हुई है, कितनी ज़्यादा संगत है। कोई अंदर होगी, कोई लंगर हॉल में होगी, कोई स्नान ले रही है, तो यात्रा बराबर चल रही है, कोई परेशानी नहीं है, ना बारिश है ना कुछ है, हल्का कोहरा है, मौसम वार्म वार्म है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बाकी यार अभी तो मैं भी रेस्ट पॉइंट पे ही हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ और कर तो जी ना आज देखिए इतना मौसम ऐसा हो गया, एकदम कोहरा कोहरा, बाकी बादल नहीं है, कोई बारिश नहीं है। और आज पंडित जी ने भाई, जब दवाइयाँ काम नहीं आती ना, पंडित जी ने अपने तंत्र और मंत्र से और थोड़ा मतलब नज़र उतारी, तो मेरी आज सेहत अच्छी है, ठंडा भी नहीं लग रहा, फीवर भी उतर गया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद गंगा कांकी वो थी विभूति, विभूति हमारे साथ बहुत दूर की विभूति है प्रभु। हाँ, ये दो दिन पहले कर देते हैं आप, क्या जाता है भी होते हैं। हाँ, के साथ वो तो हमारे महा बहुत कालों के काल महाकाल भगवान शंकर का ही आशीर्वाद सबके लिए बना रहेगा। हाँ, ये हमारा प्रभु, हम तो एक सेवक है, मगर यहाँ पे तो जो भक्ति भी आते हैं अपने मदद लेके, उन विचारों का सदैव कल्याण होते है, चाहे राजयोग से हो, चाहे मांगलिक कार्य से हो, चाहे वैवाहिक कार्य जो भी है प्रभु, अपने घर में कोई भी प्रकार की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, किसी प्रकार का भी कोई भी प्रभु समस्या है, तो इस पवित्र स्थान में आने से प्रभु सभी भक्तों का मनोरथ पूर्ण होता है। तो भाई मौसम आज कुछ ऐसा हो गया, लेकिन हमारे प्यारे प्यारे छोटे सब्सक्राइबर आ रहे भाई, ये तक पहचान रहे हैं। मेरी वीडियो देखी किस पे? क्या मेरे चैनल का नाम क्या है पता है? क्या उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर बोलो खंड वाला तो जी वीर जी आए और बच्चा बात करी, तो मेरे को दिल खुश हो गया। आज लास्ट ईयर भी हम आए थे, मगर लास्ट ईयर आपसे मिल नहीं सके। हाँ जी, हाँ जी, इस साल हमने कोशिश करी है, आप पहले देख रहे थे दिखे नहीं, दिखाई दी, मंदिर की तरफ आए थे। क्या
अच्छा हेमकुंड साहिब की वीडियो देखते हैं? रोज रोज देखते हैं। अच्छा बाकी यात्रा कैसी रही? बढ़िया, बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी बरसात थी कल शाम को, तो उससे पहले पहुंच गए थे। बाकी तो मौसम अच्छा है, आज भी बस कोहरा लगा है, बाकी मौसम खुल जाएगा क्या आपने? ठीक है, अगली बार आओगे? पैदल आओगे? पैदल आए? अच्छा ठीक है। तो देखो यार, बच्चे बिल्कुल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई तबीयत खराब नहीं, बिल्कुल आराम से आए, मत्था टेका, दर्शन करे, देखो खेल कर रहे हैं अभी। लगातार इसका दूसरी बार है, लास्ट ईयर भी आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, पौने तीन साल का था, अभी पौने चार साल का है। 5 साल से कम की उम्र में इतना बोलते हो? है बड़े हो तो बच्चे होते हैं नटखट। और चलो अच्छी बात है, दूसरी यात्रा होगी, अब एक्सपीरियंस होता रहेगा तो यात्रा होती रहेगी। थैंक यू। मैं भी 3 साल का था जब पहली बार आया था। अच्छा, माता पिता के साथ। उसके बाद 40 साल बाद में आया था लास्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर 1 साल फिर आ गया। मैं आपके पास आया था। चलो मेरे साथ रहोगे यही? ठीक है, बाय करो पापा को, बाय कर। अरे नहीं पकड़ रहा, नहीं पकड़ रहा, छोड़ रहा हूँ। ठीक है वीर जी, थैंक यू जी। आया चंडीगढ़ से अपने YouTube फैमिली। तो देखो अभी उन्होंने फोन किया और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है। भैया देखो, तबीयत खराब होने के बावजूद हमें मिलने आए हैं। देखो इनको सपोर्ट करो, और बहुत बढ़िया। बाकी वीर जी ने आते ही हमें चुन्नू मुन्नू की याद दिला दी, हमारे बिल्लियों की याद दिला दी। मैं रोज वाइफ और मैं और भांजा हर एक ब्लॉग देखते हैं, कनाडा तक का ब्लॉग देखते हैं। सुबह 8 बजे उठते सर आपका ब्लॉग, कनाडा तक का ब्लॉग जाता है आपका। अब मेरे सर की लड़की है ना, वो भी देखती है कनाडा। अच्छा अच्छा, सर ने भी आना था, वो कनाडा गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, उनकी ना वो है। अच्छा, बाकी भांजे पैदल आए? नीचे से पैदल आए, पूरा पैदल आए, पैदल आए। फर्स्ट टाइम है आपका? फर्स्ट टाइम है, इनका भी फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है आप लोगों को फर्स्ट टाइम वाला? बहुत हार्ड लगा। देखो अब दर्शन करने आए भाई गुरु जी के, तो थोड़ी मेहनत तो लगती है शरीर की, है ना? बाकी चंडीगढ़ जरूर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। और आप कैनेडा में वीडियो शेयर करते हो और संगत को, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ हेल्प मिलती होगी। पूरी हेल्प मिलती है, पूरी, बहुत ज्यादा। इतना मैंने आना था जुलाई में आना था पहले तो। अच्छा, तो वाइफ का फिर भांजी का स्कूल होता है ना, इनका भी ऑफिस होता है, तब करके मेरे को। अच्छा, पर अच्छा, बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा, कोई टफ नहीं है, थोड़ा कोहरा लग गया अभी पर बहुत चंडीगढ़ से लेके यहाँ तक बहुत बढ़िया यात्रा। चलो सर, ऐसे आते रहे, हर साल आते रहेंगे, आते भी रहते हैं, मिलते रहेंगे। ठीक है, 2011-12 से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलो बाबा जी आपको हर साल बुलाते रहे। थैंक यू बाबा जी, कुछ आप लोगों का प्यार खींच के लेकर आता। थैंक यू सर, फोटो नहीं आएगी? तो जी देखिए भाई, हर दिन ना अलग अलग मौसम देखने को मिल रहा है। अभी देखिए कोहरा कोहरा था, अभी छट गया है, बारिश नहीं हो रही है, तो अच्छा ही मौसम है। मुझे तो भाई ये खूबसूरत मौसम लग रहा है, हवाएं नहीं चल रही ना, ये अच्छी बात है। और आज हेल्थ भी ठीक है, तो ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने का अलग ही मजा होता है। मतलब पूरा स्वर्ग है यार, स्वर्ग कहें तो आप श्री हेमकुंड साहिब कह सकते हैं। अभी ऐसा लग रहा है, ये देखो संगत जी तब भी इतने ठंड कोहरे में स्नान लेती है, तो भाई कितनी भक्ति आस्था केंद्र है ये जगह। यहाँ पे जिसका इच्छा भी ना हो कि भाई वो पानी में डुबकी ना मार पाए सरोवर में, वो भी मार ही लेता है, भगवान का नाम लेके, वाहिगुरु जी का नाम लेके सब अच्छा हो जाता है। ये है भाई, क्या नज़ारा है। तो भाई इस खूबसूरत से पवित्र स्थली में और खूबसूरत से मौसम के साथ हमारे बहुत सारे YouTube फैमिलीज़ भी आई हुई है, आंटी जी भी आई हुई है, उनके बेटे, उनकी बेटी, अंकल जी, सब लोग आए हुए हैं। अच्छे से दूसरी अरदास में भी आप बैठे, अच्छे से दर्शन हुए, बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए। हाँ, मैं उनका धन्यवाद करने के लिए आई थी। अच्छा, 2019 में हम पहले आए थे। हाँ, मेरे पिताजी ने मेरी अरदास सुनी। हाँ, वो मैं उनका धन्यवाद करने आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आस्था है सभी। हाँ, की श्रद्धा है। आपको देखा सुना तो यहाँ का पता चला। हाँ,
फिर मैं यहाँ भी दर्शन किए। अच्छा, और थैंक यू मैम। मैम ना जो हमारे यहाँ पे लक्ष्मण भगवान जी हैं और माँ दुर्गा जी, उनके लिए आसन लाई हैं प्यारे से, और आपकी भेंट माता जी स्वीकार करेंगे और आशीर्वाद रखेंगे। नंदा देवी माँ जो मैं जानती ही नहीं थी, आपसे पता चला मुझे, तो उनके चरणों में मेरी भेंट जरूर जरूर स्वीकार करें। थैंक यू मैम आपका बहुत बहुत। आप आते रहें और आशीर्वाद भगवान का। थैंक यू माता जी को मेरा प्रणाम। थैंक यू। वही जाते जाते हमारे बहुत सारे YouTube फैमिली मिली हुई है, जिनसे तो Instagram पे ही बात होती है। वीर जी मिले, वीर जी बोल रहे बच्चे उठा के लाए हमें यहाँ पे। ऐसा नहीं है, जिनको बाबा जी ने बुलाना होगा कोई ना कोई बहाने से यहाँ पे ले ही आता है, इनको दर्शन दे ही देते हैं। नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है और आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, बताने का, समझाने का। जब आप बोलते हो ना वो सादगी भरा स्वभाव आपका, तो यहाँ आने की कुदरती इच्छा हो जाती है। ऐसे लगता है कि आप इतना अच्छा समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम पहुँच जाएं उड़ के बाबा जी के पास। पहुँच ही जाते हैं, थोड़ा कष्ट जरूर है, वो भगवान परीक्षा लेता है, बाबा जी परीक्षा लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा इतना बड़ा कष्ट कोई नहीं है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। देखो जो चीज हम नहीं करेंगे, इस लड़के को सातों चोटियां नजर आई हैं, उसके बाद धुंध पड़ गई। अरे चलो, दर्शन होते हैं बहुत मुश्किल से होता है, बाकी मैं वीडियोस में जरूर कराऊंगा। बाकी मैम जी से बात होती थी Instagram से कि कैसी है यात्रा, कैसी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है आपको, मतलब देखो बहुत संगत क्या डर रही है ना, मतलब न्यूज देख रहे होंगे कोई कि यात्रा नहीं चल रही है, ये दिक्कत। यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है। गुरुद्वारों में थोड़ा सा अब जनसंख्या ज्यादा है, तो उस वजह से थोड़ा सा रश ज्यादा है, उतना तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है भी तो बाहर होटल अवेलेबल है जो कर सकता है, अफोर्डेबल। सही बात, थोड़ा रश अभी सिर्फ जून में रहता है, जुलाई से क्या होती है कम हो जाते हैं उस टाइम आप। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ऋषिकेश पे गर्मी ज्यादा है, तो बाकी यहाँ एकदम ठंडा है। चलो बाकी आप लोगों का थैंक यू सो मच, वीडियो देखते हो, प्यार करते हो, ठीक है। अगली बार फिर आना और औरों को भी लेके आना, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। तो संगत जी यही है कि मतलब सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस ये है कि भगवान आपकी परीक्षा लेता है, वाहेगुरु जी आपकी परीक्षा लेते हैं। यहाँ पे आएंगे ना, एक बार दर्शन हो जाते हैं, दिल को सुकून और शांति जरूर मिलती है। यहाँ पे देखो वीर जी भी वीडियोस देखते होंगे, तो वहाँ से हाथ हिला रहे थे, मैं यहाँ पे वीडियोस में आ जाओ इधर आ जाओ। देखो भाई, वीर जी ने वहाँ से दरबार साहब से मेरे को यहाँ पे बुला दिया, फोटो खींचनी है बोल के मेरी, मैंने तो उनकी वीडियो बना ही दी है। देखो बड़ा प्यार मिलता है यार, मिले पूरी फैमिली मिली है। कैसे रही यात्रा? असि भी हां, यात्रा बहुत वधिया, असि लुधियाने तो तुरिया जी। हां, ते वैक स्पेशल तेनू देख के यात्रा फिर सफल हुई है। अरे चलो, आप लोगों का प्यार है, बाकी बाबा जी ने तो आप लोगों को बुलाना था, तो बहाना है। हाँ जी, फोटो खींच, ठीक है। बहुत अच्छा लगा वीर जी आप लोगों से मिलके, अगली बार फिर। हाँ जी, बहुत वधिया लगे। थैंक यू जी। तो जी लगभग 2 बजने वाले हैं, संगत जी काफी रवाना हो चुके हैं, कुछ कुछ अभी हो रही हैं, ये देखिए थोड़ी बूंदा बा... अभी लगभग 3 बज रहे हैं और मौसम भी अच्छा खासा हो गया है, खुला खुला हो गया मौसम, कोहरा भी नहीं है, और सरोवर देखिए भाई।
थोड़ी थोड़ी हवाएं चल रही है ना, तो सरोवर में ऐसी चमक, ऐसा लग रहा है क्रिस्टल क्लियर, जैसे हीरे जेवरात होते हैं ना, कुछ इस तरीके से पूरा सरोवर लग रहा है। देखो सरोवर की आवाज़ सुनाता हूँ मैं थोड़ा फंस जाके। तो भाई एक माता जी ने आज ना मंदिर के लिए मतलब आसन दिए हुए हैं, जो देवी देवताओं की मूर्तियां ना, तो उनके लिए आसन दिए हुए हैं। तो आज तो नहीं उनको बिछाएंगे, जिस दिन मतलब जो है दोबारा से उनका स्नान कराया जाएगा, स्नान भोग कराया जाएगा लक्ष्मण भगवान जी और शेषनाग के रूप में और साथ में माता दुर्गा देवी जी, उस दिन जो है आसन बिछाएंगे। और थैंक यू सो मच यार, बड़े ही श्रद्धा भाव से उन्होंने आसन खुद से बनाया है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत अच्छा मौसम भी है, बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पूरे संगत जी है, भक्ति भाव से आते हैं, इतनी परेशानी हो ना हो बावजूद उसके यहाँ पे मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और खुशी से यहाँ से रवाना होते हैं, जो कि सबसे बड़ी बात लगती है। और उनके खूबसूरत प्यारे प्यारे चेहरे, खुश नसीब चेहरे देख कर के हमारी भी जो है तबीयत अच्छी हो जाती है। तो मतलब तबीयत अभी तो ठीक है, सुबह तक थोड़ा बहुत थी, उसके बाद संगतों से बातचीत करो अच्छा लगता है। अभी एक संगत जी मिली थी जो इंग्लैंड से जो है हमारे ब्लॉग देखना पसंद करते हैं। तो ऐसे हैं, भगवान से जुड़ने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है, कहीं से भी आप जुड़ सकते हो, इस गुरु घर से, मंदिर से, मतलब इस पावन धरती से आप कहीं से भी जुड़ सकते हो, है ना, सभी के लिए है। तो देखो कुछ इस तरीके से धरती है। बाकी सात चोटियाँ अभी मैं निशान साहब जी के दर्शन कराता हूँ। तो पहले निशान साहब जी हैं ये, ठीक है, और दूसरे निशान साहब जी हैं ये। ये देखो, एक माता जी ने बोला था ना कल, मतलब एक वीर जी ने बोला था उनकी ताया ताई जी को देखना, पहले दूसरे दिखा दिया और तीसरे वाले इसमें हैं। ये देखो तीसरे वाले और चौथे वाले इसमें हैं। ये देखो फोर्थ निशान साहिब और पाँचवें निशान साहिब जी हैं यहाँ पे, थोड़ा कोरा लगा हुआ है टॉप पे। ये है फिफ्थ, सॉरी, छठे निशान साहब जी हैं ये वाले, छठे निशान साहब जी हैं। और सातवें आते हैं यहाँ पे, सात पहाड़ियाँ, सात निशान साहब जी। देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको दर्शन हो गए होंगे घर बैठे बैठे। अभी थोड़ा मौसम खुला था, सोचा क्यों ना दर्शन करा दूँ। हल्के बूंदाबांदी से जो बर्फ़ बची हुई भी है वो भी लगभग ऑलमोस्ट पिघल गई है, तो अब ये कुछ दिनों की बात है बर्फ़ पिघल जाएगी। बाकी यार घोड़े खच्चर की अपडेट तो यही है कि कोई बता रहा 2-4 दिनों के बाद जो है ओपन हो जाएगा। वैसे रास्ता तो खुल गया, पर थोड़ा कंजेस्टेड और संगत को दिक्कत ना हो, तो शायद एक दो चार दिनों बाद ही खोलेंगे। जिस दिन खुलेगा घोड़े खच्चरों के लिए रास्ता, उसी दिन मैं सेम डे शॉर्ट्स डाल करके या कम्युनिटी पोस्ट में आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी ऐसा है, 3 बजे का समय ही होता है, अब पंडित जी लोग अपने लिए खाना बनाते हैं, क्योंकि सुबह से शाम लगभग दिन तक रामचरितमानस का पाठ और पूजा में लगे रहते हैं, तब खाना बना रहे ताऊ जी लोग। नहीं निखाण मेल मैं अभी खा गया है, ताऊ जी बोल रहे खिचड़ी खा बल, वैसे बुखार में तो खाना चाहिए, लेकिन मैंने ना अभी खाया, दाल खाई तो पेट भर गया मेरा, ज्यादा नहीं खा रहा हूँ, तो अब कोई बात नहीं, किसी और दिन खाएंगे। बाकी सरोवर देखिए भाई कितना निर्मल सा, कल देखे, वाह कितना सुंदर लग रहा भाई, बड़ा प्यारा माहौल हो रखा। संगत जी रवाना हो चुकी है, निकल चुकी है और मौसम भी ठीक है, तो आराम से पहुंच जाएंगे गोविंद धाम तक। बाकी 8वीं चोटी, जो ये वाली चोटी है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये पीछे वाली चोटी है और इसके इधर एंड साइड उसके पीछे, वहाँ से गोविंद घाट पुलना गांव दिखता है। मैं इसी वीडियो के ऊपर यहाँ पे लिंक डाल दूंगा आपको, गोविंद घाट पुलना गांव, 8वीं चोटी श्री हेमकुंड साहिब की। तो भाई अभी प्यारी सी धूप लगी हुई है, देखो मौसम ऐसे ही चेंज हो रहा है ना, तभी ख़राब हो रही है तबीयत, कभी बारिश कभी एकदम धूप। देखो अभी तो नीलकंठ महादेव भी नहीं दिख रहा है, बाकी साथ साथ अभी कुछ ऐसा नज़ारा है, इस पूरे धरती में जो स्वर्ग है वो यही है, यही है, यही है। तो देखो कुछ ऐसा मौसम है,
बहुत अच्छा। अभी पंडित जी और के साथ थोड़े धूप सेकते हैं। यहाँ धूप नसीब होना बहुत बड़ी बात है, क्यों पंडित जी? फिर कोई नहीं, बढ़िया, जितने भी है बहुत है, बहुत है। इतना थोड़ा शरीर जो ठंडा हो रखा है, इसके लिए थोड़ा थोड़ा हड्डियों के लिए धूप जरूरी है ना। गर्मी मिल जाए तो प्रभु थोड़ा ठीक है, क्योंकि नहीं तो रात को भी ठंडा हो रहा है, दिन भर ठंडा ही है, अंदर बैठे ही बैठे रहते हैं, तो क्या करें। थोड़ा धूप तो जरूरी है। देखो भाई, भक्ति के साथ साथ थोड़ा सेहत का ख्याल भी जरूरी है। मैं सबको यही कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ संगत जी से, कि अगर आपकी तबीयत खराब है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम, भगवान भरोसे मत आए। तो भगवान भरोसे आने का मतलब ये हो गया, वाहेगुरु जी के भरोसे आने का, कि आप भगवान पे ना मतलब कोई बर्डन डाल रहे हो कि भाई हम आपके भरोसे हैं, हमको हमें कुछ भी हो जाए, ऐसा मत करें यार। भगवान चाहते हैं आप आएँ, आपको भी दुख कम हो, तकलीफ़ कम हो, तबीयत ख़राब है तो मत आएँ, डॉक्टर को रिकमेंड करके आएँ, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके 8-10 दिन की दवाई लेकर के आएँ, तभी आपको यहाँ पे सुकून, शांति और कनेक्शन बना पाएंगे आप भगवान परमात्मा वाहिगुरु जी के साथ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई ही ज़बरदस्ती नहीं करनी है ना, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई है, आप लगभग 14,500 फीट की ऊँचाई पर आ रहे हो, तो बहुत बहुत बड़ी ऊंचाई है, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब, दरबार साहिब, श्री लक्ष्मण मंदिर है ना। तो इतनी ऊंचाई में आना, सेहत पे रिस्क मत लेना, अगर तबीयत ख़राब है तो आए, निश्चिंत आए, अपनी सेहत का ख्याल, आपको डॉक्टर से ज़्यादा आपको पता होगा कि आपकी सेहत कब क्या रिस्पॉन्स करती है, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी थोड़ी देर धूप सेक लेते हैं, तब तक मैं ब्लॉग भी एडिट कर देता हूँ सूर्य देवता के, तब तक कुछ देर के दर्शन भी हो जाएंगे, बाकी साथ साथ निशान साहिब जी के तो करा ही दिए दर्शन। फिलहाल इसी के साथ आज की ब्लॉग की समाप्ति करते हैं दोस्तों। बाकी यात्रा अच्छी चल रही है, मैं बता दूँ, न्यूज़ फेक को कभी भी आप रिकमेंड ना करें, न्यूज़ जो ब्लॉगर होते हैं या जो न्यूज़ फेक न्यूज़ होती है उन पे विश्वास पूरा ना करें, सिर्फ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट जो आपको कहेंगी वही रियल होगा। तो उनका भी पेज है फेसबुक पे, श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट, उसको आप फॉलो करके रखिए, आपको छोटी मोटी न्यूज़ जानकारी वहाँ से मिलती रहेगी, बाकी मैं ब्लॉग से जितनी मेरे से पॉसिबल हो पाए मैं आपको देता रहूँगा। तो इसी खूबसूरत वादियों के साथ और बाबा जी के आशीर्वाद के साथ करते हैं ब्लॉग की समाप्ति, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू, बाय दोस्तों, सत श्री अकाल।